जय साई राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बुधवार के उपाय के बारे में। बुधवार का क्या उपाय होना चाहिए, आपने इसको समझना है। जब आप बुधवार का उपाय करते हैं तो हमारा दिमाग तेज चलता है, और कहते हैं कि जब दिमाग तेज चलता है तो व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है। बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि जब आठवें घर में बुध हो और व्यक्ति पर वही दशा चल रही हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। ऐसी ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने किन्हीं माँ बाप को कह दिया। वो बेचारे ग्वालियर से ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए, उनको कह दिया कि उनके बच्चे की मृत्यु कुछ महीनों में हो जाएगी। जब मैंने कुंडली देखी तो बुध आठवें घर में तो थे परंतु कुछ ऐसा नहीं था। फिर मैंने उन्हें समझाया कि उसे कोई कष्ट आ सकता है, हॉस्पिटल जा सकता है, मृत्यु तक बात नहीं पहुंचेगी, आप चिंता मत कीजिए, उसकी काफ़ी उम्र लंबी है। उनको काफ़ी समझा बुझाकर मैंने उनका हौसला बढ़ाया, क्योंकि काफ़ी डिप्रेशन में आ चुके थे वो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कुंडली देखी जाती है या दिखाई जाती है तो ठीक ढंग से दिखानी चाहिए और ठीक ढंग से देखनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर ना जाए कि वो, वैसे तो ग्रहों की मार क्या पड़नी है, डर की मार ही पड़ जाए, परंतु कई बार बहुत ज़रूरी होता है हर बात को क्लियर करना। बहुत कुछ आप अपने कुंडली से जांच सकते हैं, पा सकते हैं। बहुत कुछ आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कहीं जाना है, मनोकामना पूर्ण करनी है, तो ये सब कुंडली पर निर्भर करता है। तो आइए आज आपको बताता हूँ आज का उपाय। बुधवार को आपने क्या करना है, एक नींबू लीजिए और उसके चार टुकड़े कर लीजिए, और अपने या तो किसी चौराहे पे चले जाएं, चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें, या फिर थोड़ा सा घर के बाहर जाएं, चारों दिशाओं में फेंक दें, या आपकी छत में से चारों दिशाओं में फेंक दें। आपको इतनी ऑप्शन दे दी। ये इसलिए किया हमने कि हमें आने वाले बहुत लंबे समय तक नज़र ना लगे, और ये आज ही उपाय होगा और सूर्य डूबने से पहले पहले होगा, अवश्य करें। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों के जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो, हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।
ओम।